हेलो एवरीवन, आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। और इनपुट क्या होता है आप लोग को शायद पता होगा कि जिसे जो हम लोग पहले से हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो क्या आपकी इनपुट, और आउटपुट क्या होती है जो कहीं पे मान लेते कोई मशीन में हम लोग जैसे हम लोग गाड़ी का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। इनपुट उसका क्या हो गया, उसमें तेल हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो ये हो गई उसकी इनपुट। और गाड़ी जो चल रही है और वो तेल से जो चलती है वो हो गई उसकी आउटपुट। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, और आगे चल के इन डेप्थ में ये कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ होती है ये हम लोग जानेंगे। तो लिस्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसकी क्या होती है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, ये एक इंटरफेस है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जहाँ पर हम लोग जो भी हम लोग करना चाहते हैं उसे हम लोग पहले इनपुट से उसे हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर जो हमें डिस्प्ले करते हैं या फिर अगर हमें कोई प्रिंटआउट चाहिए, कोई प्रिंटआउट निकल के आती है तो उसे वो जो आउटपुट होके आती है वो हो गई प्रोसेस होने के बाद, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करती है और उसके बाद उसे हमें आउटपुट के जरिए उसे डिस्प्ले में दिखाते हैं या फिर हमें वो प्रिंटआउट के थ्रू हम लोग को दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक इंटरफेस होता है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में होता है। यूज़र क्या करता है, इनपुट देता है, और कंप्यूटर क्या करता है उस चीज़ को इंफॉर्मेशन को लेती है खुद से, यूज़र से लेने के बाद वो क्या करते हैं प्रोसेस करती है, और उसके बाद वो क्या करती है आउटपुट देती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे डिवाइस क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कंप्यूटर को कि क्या क्या करना है आपको, और वो कंप्यूटर क्या करती है वो काम को लेने के बाद प्रोसेस करती है, उसके बाद वो आउटपुट देती है। इसके बाद आते हैं डिवाइस, वो क्या करती है रिसीव करती है वो चीज़, और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस उसको फिर से रिप्रोड्यूस करके या फिर उसे डिस्प्ले के थ्रू हमें रिजल्ट दिखाती है कि क्या वो काम था जो हमने दिया था, और वो हमें दिखा रही है आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखाती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होती है जो कि इनपुट के लिए यूज़ होती है, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होती है जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होती है। तो कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होती है, बहुत तरह की होती है, और बहुत तरह की आउटपुट डिवाइसेस होती है। जैसे यहाँ पर सेम कंप्यूटर में आप इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस होता है, यहाँ पर कुछ डिवाइसेस क्या होता है दोनों काम कर सकती है, या तो वो इनपुट भी ले सकती है और आउटपुट भी दे सकती है, और कोई ऐसी मतलब चीज़ें होती है जो कि इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है। तो ये चीज़ आगे हम लोग क्लासीफाई करके हम आपको दिखाने भी वाले हैं कि कैसे ये कौन कौन सी ऐसी हार्डवेयर होती है जो ये सारे काम कर सकती है, ठीक है। तो आगे इनपुट डिवाइस, पहले हम लोग जानेंगे कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इनपुट जिसके थ्रू हम लोग देते हैं। जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या करता है, कुछ डेटा को देते हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देता है या फिर कोई अदर डिवाइसेस को देता है, जो कि एक क्या करता है वो रिसीव करता है डेटा को या फिर सिग्नल को वो रिसीव करता है वो डिवाइसेस के थ्रू, और या फिर दूसरे डिवाइसेस के थ्रू क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन को लेती है। तो वो आपकी इनपुट डिवाइस के थ्रू ही वो होता है। वो बहुत सारे टाइप की मतलब इनपुट डिवाइसेस होती है जो कि यहाँ पर लिस्ट मैंने दी हुई है, आप देख सकते हैं। पहला आती है आपकी कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइसेस है, जो कि आपकी डेटा को यहाँ पर यूज़र क्या करता है, यहाँ पर डेटा को इनपुट करता है और वो कंप्यूटर को भेजता है। अब कंप्यूटर ये डेटा को लेने के बाद वो प्रोसेस करने के बाद आपको वो शो करती है, ठीक है। तो इसके ये तो हो गई एक इनपुट डिवाइस। इसके बाद आती है दूसरी इनपुट डिवाइस जो कि है एक माउस। माउस भी क्या करती है, हमें ये हमारे हाथ में होती है और जो कि कंट्रोल भी करती है, जिसे जिसके थ्रू हम लोग कर्सर भी देख सकते हैं। जो ये आप देख रहे हैं पॉइंटर के थ्रू, मैं माउस का जो पॉइंटर है इसको हिला रहा हूँ, ये कंटिन्यूअसली वो जा रही है। जो भी मैंने यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर लेके जाने के लिए कहा कि भाई यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर तुम चलो, तो कीबोर्ड के ऊपर वो जो जा रहा है, तो ये हो गई ये जो जाने के लिए मैंने यहाँ पर लेके गया, तो वो आपके इनपुट के थ्रू ही वो काम कर रही है, ठीक है। जो कि एक ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू यहाँ पर आपको दिखा रही है कि एक कर्सर यहाँ पर दिखा रही है, एरो मार्क जो एक एरो आपका यहाँ पर डिजाइन होके यहाँ पर दिखा रही है। तो ये हो गई आपकी माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट आते हैं इसमें और क्या क्या इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपकी माइक्रोफोन, ये क्या करती है, ये क्या करती है ऑडियो को ये जनरेट करती है, और ये इनपुट डिवाइस के थ्रू ये कंप्यूटर को सेंड करती है जो आपकी वॉइस है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर माइक्रोफोन एक यूज़ करता हूँ,
तो माइक्रोफोन क्या कर रही है, मेरी जो वॉइस है वो लेने के बाद क्या करती है, वो कंप्यूटर को सेंड करती है। तो इसीलिए ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आते हैं वेबकैम। वेबकैम क्या करती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या करती है, इमेज को लेती है और इमेज को लेने के बाद ये कंप्यूटर को भेजती है। वेबकैम आप कंप्यूटर में भी देखे होंगे या फिर आप लैपटॉप में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दी हुई रहती है। इसके बाद आती है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कैसी वो दिखती है। यहाँ पर हम लोग जो भी इनपुट देते हैं वो उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं। जैसे आप टच के थ्रू अपने हाथ से उसको एक जगह से दूसरे जगह में जो भी आप इनपुट देना चाहिए उसको इनपुट दे सकते हैं। जैसे आप इसको मोबाइल भी आप बोल सकते हैं, मोबाइल का जो स्क्रीन है वो भी हो गया आपका। इसके बाद आती है ट्रैक बॉल्स। ट्रैक बॉल्स क्या होता है कि ये आपका माउस का ऊपर में दी हुई रहती है, जहाँ से आप कर्सर को घुमा सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर से नीचे का कर्सर को ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं। माउस में देखे होंगे कि दोनों साइड में दो बटन दी हुई रहती है और बीच में जो दिए होते हैं इसको बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसी ये हो गई आपकी ट्रैक बॉल, इसे कहते हैं। इसके बाद आती है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होते हैं, आप लोग तो देखे ही होंगे, जैसे कि कहीं भी आप शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कोई कोई दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर ये ऐसा एक मशीन होता है जो कि कोई भी कपड़े में या फिर कोई भी सामान में ऐसी जो आपकी लिखी हुई रहती है उसको वो पहले रीड करवाता है। इस यहाँ पर इससे एक लेज़र निकलता है रेड कलर की या फिर ग्रीन कलर की, जो जिससे ये कोड को रीड करती है और रीड करने के बाद ये कंप्यूटर को सेंड करती है। तो ये हो गई आपकी बारकोड रीडर, जो कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है गेमिंग पैड। गेमिंग पैड का तो आप लोग नाम सुने होंगे, क्योंकि अभी के टाइम में गेम तो बहुत सारे लोगों को पता है कि गेम क्या होता है, और गेम के थ्रू हम लोग गेम पैड के थ्रू हम लोग भी, ये भी एक हार्डवेयर है जो कि हम लोग इससे भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, जो भी डिवाइसेस है उसको हम लोग इनपुट इसके जरिए दे सकते हैं। तो ये गेमिंग पैड भी इनपुट डिवाइस में आती है। इसके बाद आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, ये वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए होता है, जो कि यहाँ से भी आप इनपुट ये लेती है, जो आप देख रहे हैं, जो जैसे हम लोग मूव कराते हैं ये इसको, वैसे ही वो मूव करती है। और ये जो मूव है ये मूव को क्या करती है, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये भी आपकी एक हार्डवेयर है। इसके बाद आती है आपकी स्कैनर। जो स्कैनर क्या करती है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है और इमेज को स्कैन करती है, जो कि आप डिजिटली वो उसको सेंड करती है कंप्यूटर तक। इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड क्या होता है, जहाँ पर हम लोग खुद से OMR होता है, वहाँ पर रिकॉग्निशन कर सकता है या फिर रीड कर सकता है। तो वो भी क्या हो गया, हार्डवेयर हो गई। जैसे OCR हो गया, OCR ये इसे इसका फुल फॉर्म क्या है, आपकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर जो भी कैरेक्टर आपका पेजेस में लिखा हुआ रहता है उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, तो इसे OCR बोलते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है, जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट और टेक्स्ट को ये पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो कंप्यूटर को भेजती है। उसके बाद आता है MICR। इससे क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यहाँ पर ये भी क्या करता है, जो भी इंक से आपको मैग्नेटिक जो भी लिखा हुआ रहता है ये भी कैरेक्टर को क्या करता है, रीड करते हैं। रीड करने के बाद ये भी इनपुट क्या करते हैं, फाइनली जो इसका एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पर ये बैंक चेक्स को ये पढ़ने में हमें मदद करती है, जो कि यहाँ पर वो पढ़ने के बाद वो कंप्यूटर को भेजती है। तो ये भी एक आपकी इनपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। सॉरी, इनपुट डिवाइसेस में क्या होती है कि इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, डेटा को रिसीव करती है, लेने के बाद वो एक दूसरे डिवाइसेस में वो क्या करती है, उसको दिखाती है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गया आपकी, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर क्या करती है, ये एक डिस्प्ले कराती है। तो ये क्या हो गई, एक आउटपुट डिवाइस हो गई। तो हम लोग कोई भी कीबोर्ड के थ्रू अगर हम लोग लिखते हैं तो वो कहाँ दिखती है, हम लोग को पता होगा कि हम लोग को कहाँ दिखती है, मॉनिटर में दिखती है। तो मॉनिटर क्या हो गया, आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है डेटा कंप्यूटर से और उसके बाद उसे उस इंफॉर्मेशन को, जो टेक्स्ट के रूप में है या फिर इमेज के रूप में है, वो यूजर क्या कर सकता है, देख सकता है। इसके बाद आते हैं दूसरी डिवाइस, जो कि है जिसे कहते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या करती है, वही वैसे ही डेटा को वो ये कंप्यूटर से लेती है, लेने के बाद वो दिखाती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग चाहेंगे तो इसे ये दीवार पे ये दिखा सकती है। तो प्रोजेक्टर भी क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गई, जो ये डायरेक्टली नहीं देती है, ये डायरेक्टली ये अनदर डिवाइस के थ्रू ये दिखा सकती है, वॉल के थ्रू।
वॉल में आप अगर कोई दीवार में अगर दीवार के सामने अगर कोई प्रोजेक्टर रखते हैं तो उस चीज़ को वो दिखा सकती है। तो ये हो गई प्रोजेक्टर की काम। इसके बाद आते हैं आपकी स्पीकर। स्पीकर क्या करती है, कोई भी आपका जैसे आपका गाना हो गया जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर है, आपको गाना अगर आपको सुनना है या फिर आपको अगर कोई भी चीज़ कोई आवाज़ अगर वॉइस आपको सुननी है तो फिर आपको क्या करते हैं उसको कमांड देते हैं कि इसको प्ले करिए। तो प्ले करने के बाद वो क्या करती है, इस स्पीकर के थ्रू वो ये बजने लगती है। तो ये जो बजती है जो आवाज़, ये एक दूसरी डिवाइस है जो जिसे हम लोग एक क्या कहते हैं आउटपुट डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है, ठीक है। तो ये ऐसे भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होती है जो कैपेबल क्या करती है, जो खुद से वो इनपुट भी ले सकती है और आउटपुट भी दे सकती है। ऐसे कुछ डिवाइसेस है जैसे कि आपका यूएसबी ड्राइव। ये पेन ड्राइव क्या होता है कि इसे हम लोग फ्लैश स्टिक वर्क और बोथ हम लोग डिवाइस इनपुट और आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये रिसीव करती है डेटा को और इनपुट करती है और क्या करती है ये डेटा को ये कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर में ये भेज भी सकती है। तो ये दोनों का काम करती है, ये डेटा को वो ये ले भी रही है कंप्यूटर से और दूसरे कंप्यूटर में ये भेज भी सकती है। तो इसीलिए ये इनपुट और आउटपुट जो है ये दोनों काम कर सकती है। तो इसीलिए इसे यूएसबी ड्राइव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी मॉडम। मॉडम का नाम आपने सुना होगा, जहाँ से एक कंप्यूटर से ज़्यादा दूसरे बहुत सारे कंप्यूटर में ये क्या कर सकती है टेलीफोनिक सिग्नल या फिर लाइंस को ये प्रोवाइड कर सकती है। तो डेटा एक जगह से ये एक कंप्यूटर से डेटा लेने के बाद ये दूसरे जगह तक दूसरे कंप्यूटर में ये भेज सकती है। इसलिए ये इसको इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी सीडी ड्रॉ और डीवीडी रॉ ड्राइव। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये कॉपी भी कर सकती है, सेव भी कर सकती है और रीराइट भी कर सकती है सीडी को। तो ये दोनों काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपकी इनपुट भी है आउटपुट भी है, दोनों ये काम एक साथ कर सकती है। इसके बाद आती है टच स्क्रीन, जो कि इनपुट भी ले सकती है और आउटपुट भी दे सकती है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, आप मोबाइल फोन में आप टच करते हैं तो वही उसी उसी में आपको दिखता है। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया आपकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों एक साथ है। इसके बाद आती है आपकी हेडसेट। हेडसेट में दोनों चीज़ एक साथ दी हुई रहती है, एक होती है आपकी सुनने के लिए जो आप सुनते हैं और एक होती है आपकी स्पीकर, उसमें स्पीकर का फंक्शन भी दी हुई रहती है कि आप वहाँ पर आप सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो आपकी वो इनपुट हो गई, जो आप सुन रहे हैं वो आपकी आउटपुट हो गई। तो दोनों ही चीज़ एक साथ ये काम कर सकती है, इसीलिए इसको इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को ही इसमें रख सकते हैं, तो इसलिए इसे हेडसेट कहते हैं। इसके बाद आता है फेस स्माइल। ये क्या है, फैक्स मशीन है जो कि स्कैन भी कर सकती है, ये इनपुट भी लेती है और ये स्मॉल प्रिंटर का भी काम करती है जो कि आपका प्रिंट करके भी देती है। तो इसलिए दोनों काम एक साथ ये कर सकती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। और इसके आगे अगर आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब एंड लाइक। और अगर आपको कोई भी चीज़ में कमेंट करनी है या फिर कोई भी आपको सजेशन देनी है प्लीज़ कमेंट इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।